नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई में एक महिला ट्यूशन टीचर ने होमवर्क नहीं पूरा करने पर 3 साल की बच्ची को गर्म चिमटे से कई जगह जला दिया। तो ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में मानपाड़ा थाने की पुलिस ने एक नौकरानी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नौकरानी ने एक बुजुर्ग से 16 लाख रुपए की कीमत के सामान की ठगी की है। वही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से भाजपा पर फिर बड़ा हमला बोला है। तो वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। तो उधर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। बरसात के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। इसी बीच मालेगांव में पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। बिना किसी डिग्री के वो इलाके में 2 कमरे में एक अस्पताल चला रहा था। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई में एक महिला टीचर का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया। होमवर्क पूरा नहीं करने पर इस ट्यूशन टीचर ने 3 साल की बच्ची को गर्म चिमटे से कई जगह जला दिया। घटना मुंबई के पनवेल इलाके के खारघर की एक सोसाइटी की है। बच्ची के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान बन गए हैं। टीचर के इस करतूत की पोल उस समय खुली जब बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर से लिए निकली। माता पिता बच्चे का हाल देखकर भौंचक्के रह गए। आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां इसका इलाज चल रहा है। मामले की पुलिस में भी शिकायत की गई है। पुलिस ने बाल शोषण के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरेंट्स ने जब अपनी बच्ची को कोचिंग के लिए छोड़ा था तो वे बिल्कुल ठीक थे। जब ट्यूशन का टाइम खत्म हुआ और पेरेंट उसे लेने पहुंचे तो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। बच्ची के चेहरे, घुटने और कंधे पर जलने के निशान थे। बच्ची के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने पेरेंट्स को बताया उनकी बेटी ने होमवर्क ठीक से नहीं किया था, जिसकी वजह से टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने गर्म चिमटे से जला दिया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने महिला टीचर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। हालांकि टीचर ने आरोपों से इनकार किया है। टीचर मकरंद विहार घरकुल सोसाइटी सेक्टर 15 खारघर इलाके में ट्यूशन क्लास लेती है। ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में मानपाड़ा थाने की पुलिस ने एक नौकरानी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नौकरानी ने एक बुजुर्ग से 16 लाख रुपए के कीमती सामान की ठगी की है। आरोपी ने ठगी यह कहकर की है कि किसी ने मालिक के घर में जादू टोना किया है और मालिक की जान को खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार घर को जादू टोने से मुक्त कराने के लिए महिला ने मालिक को अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए कहा था। इसी दौरान आरोपी महिला सारा कीमती सामान लेकर भाग गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय प्रिया केलुस्कर उर्फ त्रिशा के रूप में हुई है। वह डोंबिवली के खोनी गाँव की रहने वाली है। पुलिस एक अन्य आरोपी मरियम शेख उर्फ शहनाज नाम की महिला की भी तलाश कर रही है, जो त्रिशा के साथ में शामिल थी। पुलिस ने बताया कि 79 वर्षीय पीड़ित वसंत समर्थ डोंबिवली के पौश पलवा टाउनशिप में अकेले रहते हैं। पीड़ित की पत्नी का कुछ साल पहले ही निधन हो गया, जबकि उनका बेटा कनाडा में रहता है। पीड़ित के घर पर नौकरानी के रूप में काम करने वाली त्रिशा ने घर में जादू टोना के बारे में झूठी कहानी बनाई। पीड़ित का विश्वास जीतकर उसने कुछ पूजा करने के लिए नकद और मोबाइल उनसे लिया। म्यूजिक सिस्टम और अन्य कीमती सामान भी उसने पीड़ित से ले लिए। घर को जादू टोने से मुक्त कराने के लिए आरोपी ने पीड़ित को कुछ रस्में निभाने के लिए अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होने का कहा। जब पीड़ित अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो आरोपी नौकरानी सारा कीमती सामान ले भागी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से भाजपा पर फिर बड़ा हमला बोला है। तो वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। शिवसेना ने कहा कि विपक्ष के 10 चेहरे यही भाजपा की ताकत है। शिवसेना ने विपक्ष से भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। शिवसेना ने लिखा है, विपक्ष को इसका जवाब खोजना होगा कि भाजपा के खिलाफ कैसे एक साथ आए। सामना में अपील की गई है कि सभी भाजपा विरोधी एकजुट होकर दिल्ली में लड़े। विपक्ष के मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आदि को बाद में देखा जा सकता है। शिवसेना ने दूसरी तरफ कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अच्छी चल रही है। महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा गया है कि अगर पूरे प्रदेश में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ लड़ेंगे तो राज्य का माहौल है कि 35 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। शिवसेना ने आगे लिखा है कि देश भाजपा मुक्त होगा या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन विपक्षी दल एकजुट नहीं रहेंगे तो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनके लिए सत्ता तक पहुँचना मुश्किल होगा। हर हाल में भाजपा को रोकना होगा क्योंकि वह प्रदेशों में छोटे दलों के लिए खतरा बन रही है। छोटे दलों का वह अस्तित्व ही समाप्त करने पर तुली है।
महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है, उनकी फसलें खराब हो गई है। इसी बीच मुंबई में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। कई इलाकों में जलजमाव देखने को मिल रहा है। मुंबई में बीती रात से ही हो रही बारिश कुछ देर थमी थी, लेकिन दोबारा शुरू हो गई है। इससे ट्रैफिक धीमा पड़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंधेरी, गोरेगांव, सांता क्रूज, पवई खार में भारी बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मुंबई और उपनगरों में मध्यम बारिश होगी। अगले दो दिनों में शहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। 17 सितंबर को भारी तो 18 और 19 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। मानसून वापसी का यह रूप किसानों को दोहरी मार दे रहा है। एक तरफ फसलें तबाह हो गई है तो दूसरी तरफ कर्ज से उबरने का रास्ता भी बंद होता दिख रहा है। बाजारों की भी रौनक फीकी पड़ गई है, जबकि अभी त्योहारों का मौसम है। मालेगांव में पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। बिना किसी डिग्री के वह इलाके में दो कमरे में एक अस्पताल चला रहा था। जब यहां जांच की टीम पहुंची तो उसने एक शख्स को सलाइन लगा रखा था। इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी डॉक्टर की पहचान अंसारी मोहम्मद वसीम हाजी अब्दुल रशीद के रूप में हुई है। यह घटना मालेगांव के दातार नगर इलाके में सामने आई है। अब लोग मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर पैसे कमाने वाले इस फर्जी मुन्ना भाई डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। दरअसल कुछ लोगों ने शिकायत की थी, इस शख्स ने कई दलाल पाल रखे थे जो मरीजों को इसके पास लाने और बरगलाने का काम करते थे। कई दवा प्रतिनिधियों से भी इसके साठगांठ कर रखी थी, जहां तक कि सैंपल में दी जाने वाली दवाओं को असली बताकर मरीजों से अधिक पैसे वसूलता था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अस्पताल में रखी दवाइयों की जांच होने वाली है। यह फर्जी डॉक्टर कब से इस धंधे को चला रहा था, इसकी जांच की जा रही है। फर्जी डॉक्टर से इलाज करा चुके लोग हैरान है। इलाके में तरह तरह की बातें सामने आ रही है, इसकी ऊंची पहुँच का भी हवाला दिया जा रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एजेंसी ने हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर इस मामले को लेकर छापेमारी की है। तो भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई। वहीं भारत की सरजमी पर 70 साल बाद चीतों की आमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट भी 747 नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच चुका है। तो उधर तेलंगाना के हैदराबाद में नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी बीच बिहार के अररिया जिले में मटियारी पंचायत के एक प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन में छिपकली निकलने के बाद बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। मध्यान्ह भोजन खा चुके लगभग 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एजेंसी ने हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर इस मामले को लेकर छापेमारी की है। अकेले हैदराबाद में ही 25 जगहों पर रेड डाली गई है। इसी केस में ईडी आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ करने वाली है। कल ही सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैन से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की जाए, जहां वह बंद है। उससे पहले एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस केस की जांच में सीबीआई भी जुटी है और उसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर भी जांच की थी। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीते कई दिनों से टकराव तेज है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस मामले को गलत बताते हुए भाजपा पर जबरदस्ती घेरने का आरोप लगा रही है, तो वही भगवा दल का कहना है कि एक्साइज पॉलिसी में कारोबारियों को कमीशन देने का घोटाला किया गया है। ईडी के छापेमारी में क्या हासिल हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी छापेमारी को ही अपना हथियार बना लिया है और वह केंद्र सरकार को इसी के बूते घेर रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बीच आज तड़के 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहां दिशाकुला कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की
दबकर मौत हो गई है। दो की हालत गंभीर है, उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के लोगों ने बताया कि भारी बारिश होने के चलते दीवार काफी कमजोर हो गई थी। आसपास की मिट्टी धंसने से दीवार ढह गई। कलेक्टर सूर्यपाल गंगावार ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सभी मृतक और घायल झांसी जिले के पंचवारा के रहने वाले है। यह सभी कैंट एरिया में आर्मी की पुरानी दीवार के सहारे झोपड़ी में रह रहे थे और नई बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य में लगे थे। कलेक्टर ने बताया कि बाउंड्री वॉल के पास लोग झोपड़ी में सोए थे। रेस्क्यू देर रात ही पूरा कर लिया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर है। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर आनंद ओझा का कहना है कि सुबह 7 बजे 9 लोगों को लाया गया था। सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर रेस्क्यू के लिए आर्मी के जवान पहुंचे थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। घायलों के बेहतर इलाज कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारत की सरगर्मी पर 70 साल बाद चीतों की आमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट भी 447 नामीबिया की राजधानी विहंडोक पहुंच चुका है। इस विमान को बाहर से ही नहीं अंदर से भी चीता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि उसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। 17 सितंबर को यह विमान 16 घंटे की उड़ान भरकर नामीबिया से सीधे ग्वालियर उतरेगा। इस दिन पीएम मोदी चीतों को कुनो पार्क में छोड़ेंगे। पिंजरों के बीच इतनी जगह होगी कि उड़ान के दौरान पशु चिकित्सक आसानी से चीतों पर नजर रख सके। चीतों को सही सलामत पहुँचने के लिए नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर एना बस्टो विमान में साथ आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नामीबिया से ग्वालियर और फिर वहां से राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के दौरान चीतों को कोई खाना नहीं दिया जाएगा। कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने पर ही चीतों को खाना दिया जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक शिफ्टिंग के दौरान जानवर का पेट खाली होना चाहिए। चीता प्रोजेक्ट में एविएशन सेक्टर से जुड़ी कंपनी ने इस फ्लाइट को सोशल फ्लैग नंबर 118 दिया है। फ्लाइट के बाद कंपनी इस फ्लैग को अपने म्यूजियम में रखेगी। दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, इसलिए यह उनके लिए ऐतिहासिक अवसर है। तेलंगाना के हैदराबाद में नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़की के घर से बाहर निकलने के बाद आरोपी उसे अपनी कार में 2 होटल लेकर गए और वहां से गैंगरेप किया। लड़की पुराने हैदराबाद शहर के दाबिरपुरा इलाके की बताई जा रही है। पुलिस को लड़की को बेहोशी की हालत में चंद्रघाट के पास मिली थी। उसकी मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। माता पिता द्वारा की गई शिकायत के हवाले से बताया कि दोनों आरोपी 14 वर्षीय लड़की को 2 दिन पहले एक होटल में ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की मां ने बताया कि 12 सितंबर की रात करीब 8:15 में लड़की साबुन खरीदने एक दुकान पर गई थी। मैंने उसे कुछ दवाएं लेने के लिए 500 रुपए भी दिए थे क्योंकि मुझे सीने में दर्द था, लेकिन वह काफी देर बाद नहीं लौटी। 14 सितंबर की देर शाम पुलिस ने उसे घर ले आई, लेकिन तब तक वह बेहोशी की हालत में थी और ठीक से चलने की स्थिति में नहीं थी। बार बार पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया था। लड़की द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामपल्ली के 2 होटलों का निरीक्षण किया जहां उसका यौन शोषण किया गया था। बिहार के अवरिया जिले में माटियारी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में स्थित शिक्षण संस्था कन्या प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को मध्याह्न भोजन में छिपकली निकलने के बाद बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। मध्याह्न भोजन खा चुके लगभग 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। खबर जंगल में आग की तरह तेजी से फैली और लोग स्कूल में पहुंचने लगे। सभी बच्चों को वाहनों व एम्बुलेंस से उनके अभिभावक स्थानीय समाज सेवी व विद्यालय में शिक्षकों के अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती कराया। अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि आधा दर्जन बच्चों ने चक्कर आने की बात कही, हालांकि सभी बच्चे खतरे से बाहर है। विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि एनजीओ के माध्यम से विद्यालय में मिड डे मील दी जाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी शुरू हो गई, कई बच्चों का सिर घूमने लगा। कुछ बच्चों ने बताया कि एमडीएम में छिपकली है। इसके बाद सभी लोग घबरा गए। फारबिसगंज एसडीएम सुरेंद्र कुमार अलबेला ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। विद्यालय प्रबंधक द्वारा षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है या एनजीओ की लापरवाही तो नहीं है, इस पर जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन ने युद्ध के बीच जहां से रूसी सेना को भगाया है वहां 440 से अधिक शवों की नई कब्र मिली है। तो स्वीडन की सोशल डेमोक्रेट नेता मैग्डालेना एंडरसन ने संसद अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
मैग्डालेना ने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे रही है। वहीं ब्रिटेन के नए राजा बने चार्ल्स तृतीय के पूर्व घर में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट पैदा हो गया है। किंग चार्ल्स ने करीब 100 कर्मचारियों को काम पर से हटाने का निर्णय लिया है। तो उधर शिकागो में एक संघीय जूरी ने मशहूर गायक और केली को चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नाबालिग लड़कियों को सेक्स के लिए लुभाने का दोषी माना है। 6 मामलों में दोषी साबित हुए ग्रैमी अवार्ड विजेता केली को लंबी सजा मिल सकती है। इसी बीच इमरान खान हाल ही में एक संबोधन के जरिए देश में आटा दाल का हिसाब जनता को बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि कराची में आटा 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूक्रेन ने युद्ध के बीच जहाज से रूसी सेना को भगाया है, वहां 440 से अधिक शवों की नई कब्र मिली है। यूक्रेन के पूर्वी शहर इजियम के बाहर एक जंगल में सामूहिक कब्र में इन शवों को दफन किया गया था। वहां की पुलिस के अनुसार हर एक शव की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इनमें से कुछ गोलीबारी और हवाई हमलों से मारे गए हैं। यह अब तक मिले सबसे बड़े दफन स्थलों में से एक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बूचा, मारियोपोल और अब दुर्भाग्यपूर्व रूप से इजियम रूसी सेना हर जगह मौत के निशान छोड़कर जा रही है और उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराना होगा। दुनिया को इस युद्ध की असल जिम्मेदारी रूस पर डालनी होगी। यूक्रेन के उपगृह मंत्री ने भी कहा कि रूसी सैनिकों की ओर से उनके कब्जे वाले कई शहरों में प्रताड़ना चैम्बर बनाने के सबूत मिले हैं, जहां यूक्रेन के नागरिकों और विदेशियों को पूरी तरह से अमानवीय स्थितियों में रखा गया। इन ठिकानों में से एक में किसी एशियाई देश के छात्र भी बंधक बनकर रखे गए थे। अभी यह नहीं पता चला है कि ये किस एशियाई देश के हैं। उन्हें यूक्रेन से भागने की कोशिश में रूसी जान चौकियों पर पकड़ा गया था। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त रक्षा सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत अमेरिका रक्षा विभाग यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार, युद्ध सामग्री और उपकरण देगा। स्वीडन की सोशल डेमोक्रेट नेता मैग्डालेना एंडरसन ने संसद अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैग्डालेना ने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद वह अपने पद से इस्तीफा दे रही है। एंडरसन के सेंटर लेफ्ट गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। एंडरसन ने अपनी हार स्वीकार की और पीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वह बीते साल के आखिरी दिन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने और सबसे अधिक 30% मत हासिल करने के बाद भी वे सरकार बनाने से दूर रह गई है। इस चुनाव में मैग्डालेना की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही। उनकी पार्टी सोशल डेमोक्रेट को 107 सीटें हासिल हुई, वहीं उनकी विपक्षी पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स को 73 सीटें मिली है। तीसरे नंबर पर मॉडरेट पार्टी है, जिसे 68 सीटें आई है। 349 सीटों वाले सांसद में सरकार बनने के लिए दक्षिणपंथी गठबंधन को 175 सीटें चाहिए। बता दें कि स्वीडन में प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में बहुमत की जरूरत नहीं होती है। बशर्ते बहुमत के आंकड़े के बराबर सांसद किसी कैंडिडेट का विरोध न हो। 4 दलों के दक्षिणपंथी गुट में से प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे तीसरे नंबर की पार्टी मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टर्न है। उन्होंने कहा कि वह स्थायी सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। ब्रिटेन के नए राजा बने चार्ल्स तृतीय के पूर्व घर में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट पैदा हो गया है। रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद किंग के कार्यालय का पता अब क्लेरेंस हाउस से बकिंगहम पैलेस में बदल चुका है। जानकारी के मुताबिक किंग चार्ल्स जब प्रिंस थे उस दौरान उनके लिए दिन रात सेवा में लगे रहने वाले करीब 100 कर्मचारी अब कथित तौर पर किंग चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट के साथ उनके नए घर सेवा देने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में इनकी नौकरी अब खतरे में पड़ चुकी है। यह नोटिस उस वक्त आया जब बहुत वक्त शेड्यूल के बीच किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला बकिंगहम पैलेस गए थे। किंग चार्ल्स के राजा बनने के तुरंत बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी जाने को लेकर लोग क्षुब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स के 12 सितंबर को पुराने रेजिडेंट क्लेरेंस हाउस के कई कर्मचारियों को आधिकारिक नोटिस मिला है कि वह अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। उनके निजी सचिव क्लाइड एल्डरटन के मुताबिक किंग चार्ल्स के बनने के बाद कुछ बदलाव पहले से तय थे। रिपोर्ट के मुताबिक कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें मालूम नहीं था कि चार्ल्स के राजा बनने के बाद उन्हें नए घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद ब्रिटेन सोमवार तक राष्ट्रीय शोक में है।
शिकागो में एक संघीय जूरी ने मशहूर गायक आर केली को चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नाबालिग लड़कियों को सेक्स के लिए लुभाने का दोषी माना है। 6 मामलों में दोषी साबित हुए ग्रैमी अवार्ड विजेता केली को लंबी सजा मिल सकती है। अभी उनके खिलाफ 2 और मामले मिनेसोटा और शिकागो की अदालत में चल रहे हैं। शिकागो में बीते 2 दिनों में 11 घंटे तक जिरह करने के बाद जूरी ने केली को चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रोड्यूस करने और सेक्स के लिए लड़कियों को लुभाने के 3 मामलों में दोषी करार दिया, जबकि न्याय में बाधा डालने के 1 और चाइल्ड पोर्न हासिल करने के 3 मामलों में बरी कर दिया। जज ने सजा सुनाने की तारीख तय नहीं की है। वह यह भी तय करेंगे कि कौन सी सजा न्यूयॉर्क वाली सजा के साथ चलेगी और कौन सी न्यूयॉर्क वाली सजा पूरी होने के बाद। अगर वो दूसरा विकल्प चुनते हैं तो इसका मतलब है कि केली की जिंदगी अब जेल में ही गुजरेगी। केली के खिलाफ आरोप लगाने वाली 4 लड़कियां जेन, निया, पाउलिन और ट्रेसी आप बीती सुनाते समय रो पड़ी। केली पर साबित हुए 6 में से 4 मामले सीधे रूप से जेन से जुड़े हैं और मोटे तौर पर उनकी गवाही के आधार पर ही केली को सजा सुनाई गई है। अब 37 साल की हो चुकी है। जेन ने बताया कि जब वो 14 साल की थी तब केली ने उनका यौन शोषण किया था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ सरकार को घेरने में लगे रहते हैं। हर छोटी छोटी बात को वह पाकिस्तानी अवाम को पूरे विस्तार से समझाते हैं, लेकिन कई बार इस चक्कर में वह कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाल ही में इसका एक और नमूना देखने को मिला है। इमरान खान हाल ही में एक संबोधन के जरिए देश में आटा दाल का हिसाब जनता को बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि कराची में आटा 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। इमरान भले ही लीटर और किलो में कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन ट्विटर पर लोगों को उनका मजाक बनाने का मौका मिल गया है। लोगों ने उनके इस वीडियो पर तरह तरह के रिएक्शन दिए। कई लोगों ने मजाक बनाते हुए कहा कि इमरान बोतल में आटा खरीदने जाते हैं। इस बीच इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और मीडिया के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। फासीवादी नीति के साथ स्थिरता नहीं आ सकती है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए इस साल 30 अरब डॉलर की जरूरत है, जो मौजूदा सरकार के लिए कठिन है, क्योंकि उसे कर्ज वापस करने के लिए सिर्फ 8 अरब डॉलर ही मिलेंगे। देश में ऊंची महंगाई दरों पर निशाना साधते हुए इमरान ने कहा कि आज लगभग 20% कपड़ा उद्योग बंद हो चुका है, जबकि 35% सीमेंट का उत्पादन घटा है। तो बीकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।